तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं दिखाऊंगा कि FZ जो BS3 का आता है, कोई भी न्यू बाइक जो होता है इसमें RPM ज़्यादा क्यों होता है। तो इसमें RPM ज़्यादा क्यों है, मैं आज इस वीडियो में दिखाऊंगा आप लोगों को कि न्यू बाइक में RPM ज़्यादा क्यों होता है और RPM उसको क्यों कमाना जो वो ठीक रहता है उसका बाद में जब फास्ट सर्विसिंग में जाता है उसका बाद में ठीक ठीक करा लेना है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी फ़िलहाल इतना रहना ठीक ही है। तो अभी देख लीजिए यहाँ पर, ये देख लीजिए 2 में रहता है, क्यों रहता है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ में रहना चाहिए। तो इसका स्लोरेस्ट जो 1 पे होना चाहिए, 1 पे नहीं होने से 2-3 में चला गया है। तो इसको क्या करना है, न्यू गाड़ी है इसलिए स्लोरेस्ट ज़्यादा रख दिया है। तो फास्ट सर्विसिंग में आप क्या करना है, ठीक करवा लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं खुद भी कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पर भी कर सकते हो और नीचे भी जो कारपेंटर है वहाँ पर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये जो गाड़ी है इसमें वारंटी होता है, न्यू गाड़ी में वारंटी। आपको क्या करना है, वारंटी में अगर लेने से बाहर में कोई चीज़ खुलवाना या टाइट करवाना ठीक नहीं है, क्योंकि ये लोग बोलेंगे आप लोग का कब और काम करवा दिया है तो आप वारंटी नहीं रह गया है। तो इसलिए सर्विसिंग है जब तक है गाड़ी का, कोई हाथ लगाने का